हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे कप पिज़्ज़ा। बनाने में बहुत ही इजी है, सिंपल रेसिपी है। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स वही यूज़ करें जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, और इसके लिए हमें पिज़्ज़ा बेस की भी ज़रूरत नहीं है। बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने फर्स्ट लेयर के लिए ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, 7 से 8। आप वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे गरम पैन में 20 ग्राम बटर लिया है, 1 बड़ा चम्मच घी ताकि बटर जले ना, 1 छोटा चम्मच गार्लिक का पेस्ट। इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए लो फ्लेम पे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। फर्स्ट लेयर रेडी है, इसे एक साइड रखेंगे। अब सेकेंड लेयर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है, 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर। इन सभी को चॉप करके लेंगे। 1 छोटा चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो सीजनिंग। अगर आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें और अपने पसंद के वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे, इसे या तो ग्रीस कर ले या फिर इसमें कप्स लगा देंगे। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप इसे यहाँ पे कप का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कटोरी का। फर्स्ट लेयर हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की लगा रहे हैं। सेकंड लेयर के लिए यहाँ पे मैंने जो वेजिटेबल्स ली थी वो लगाएंगे। अब थर्ड लेयर चीज़ की लगा देंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो आप वेजिटेबल्स में भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब इसे बेक कर लेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कुकर या कढ़ाई में, कुकर में बिना सीटी और रिंग के 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। कढ़ाई में भी सेम रहेगा। बनाएं और इन्जॉय करें।